कैसे आप सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य जी और आप देख रहे हैं इस वर्ल्ड ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग होने वाला है ड्यूक 790 के ऊपर, जो कि मेरे चैनल पे नहीं डला था अभी तक। तो फाइनली आज मैं इसका ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। इस बाइक के बारे में कुछ डिटेल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बाइक के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इस बाइक की कॉस्ट पड़ेगी और क्या क्या आपको इसमें डिस्काउंट है भी या नहीं है। अगर इसकी मार्केट अच्छी होगी तो ये सीकेडी भी हो जाएगी। तो अब इस बाइक के बारे में डिटेल में बात करने के लिए भाई विशाल भाई, तुमने मेरे को बोला था कि भाई इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाना दी भाई, क्योंकि इस बाइक में वो सब है जो हमें चाहिए होता है, लेकिन लोग उतना घुसते नहीं उसके अंदर प्रैक्टिकल। तो भाई मैं तो देखो मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, मुझे भी इतना नहीं है, लेकिन जितना है उतना हम अपनी जनता के साथ शेयर कर सकते हैं। जो हमारे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस बाइक को स्टार्ट कर सकता हूं। तो एक बार थोड़ी सी साउंड सुना देता हूं, साउंड सुनना इसकी। तो विशाल भाई साउंड सुना दिया, अब बाइक के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। हमें एक एक चीज़ बता दो कि बाइक में क्या क्या है। बेसिकली स्टार्ट करूँगा प्राइसिंग से, स्टार्ट प्राइसिंग से नहीं करूँगा, एंडिंग प्राइसिंग से करूँगा। ठीक है, सबसे पहले जो इसके अंदर जो पावर आती है वो 105 bhp प्रोड्यूस करती है ये, ठीक है, प्लस 87 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, ठीक है, और ट्विन सिलेंडर है, पैरेलल ट्विन सिलेंडर है, ठीक है, 780 cc। एंड उसके बाद इसके अंदर धीरे धीरे करके इसके अंदर अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो इसके अंदर 300 mm की फ्रंट डिस्क आती है विद ड्यूल डिस्क एंड ड्यूल चैनल ABS है, प्लस कॉर्नरिंग ABS, जो कि इस सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं आता। एंड दूसरा तीसरा सबसे सेकेंड ऑफ पॉइंट जो इसका मुझे लगा इंटरेस्टिंग, आप अभी सर दिखाओगे तो इसके अंदर स्टीयरिंग डैम्पर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि नेक्यूड बाइक में बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है, बेसिकली लीटर सेगमेंट में देखने को मिलता है, जो कि इस बाइक में अवेलेबल है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर आता है क्विक शिफ्टर, ठीक है, अब इधर मैं आपको क्विक शिफ्टर दिखाता हूँ इसके अंदर। क्विक शिफ्टर जो कि आज के टाइम पे सभी लोगों की बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि हमारी बाइकों में क्विक शिफ्टर हो, वो भी अप एंड डाउन, जैसे कि आपने इसके अंदर क्विक शिफ्टर लगा हुआ है अप एंड डाउन, ठीक है, हाँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका 120 का फ्रंट टायर है, 180 का बैक टायर है इसके अंदर, ठीक है, एंड चेन सही चल रही है। और दूसरी चीज़ें सेटिंग पोजीशन के ऊपर बात करूँ तो और ड्यूक से इस ड्यूक में क्या फर्क है? इस बिगर देन 390 की जो सीट है 390 से बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी बात भाई सफर में ना सबसे ज्यादा यही टूटते हैं। एंड इसके बाद जो सीट की अगर बात करूँ तो नई एक एडवेंचर आ गई है उसकी सीट। अच्छा, एडवेंचर आ गई है। एक चीज और चीज और दिखाते हैं, इसके पहले थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाई देते व्यूअर्स को। अभी इधर आ जाइए, एक सबसे बड़ा इसका फीचर इसके अंदर जो किल स्विच है वो यही है, ठीक है, यहीं से ऑन होता है। यार ये बटन को देख के ऐसी फील नहीं आ रही जैसे वो घर के स्विच नहीं होते? हाँ, ये इसका किल स्विच है। इसके बाद उसके अंदर फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ये मोटरसाइकिल से जाने के बाद अपने क्विक शिफ्टर आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ABS आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ABS के मोड दे रखे हैं, क्विक शिफ्टर आप ऑन ऑफ कर सकते हो, शिफ्ट लाइट्स भी ऑप्शन में दी गई है, लाइटें भी शिफ्ट हो जाएंगी। दूसरा इसके अंदर ट्रैक पे अगर चलानी है तो टोटल रिस्पॉन्स के अंदर ट्रैक है, स्पोर्ट है, स्ट्रीट है, स्पोर्ट्स मोड भी है। स्पोर्ट्स मोड में साउंड में कुछ फर्क आता है? नहीं, साउंड में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन पावर अच्छी आ जाएगी। मैंने इसको चलाया था, मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाया था, तो बेसिकली हिल्स एरिया के लिए काफी अच्छा है स्पोर्ट्स मोड, है ना, अगर हिल्स पे लेके जाते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा स्ट्रीट पे चलाओ। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्ट्रीट पे चलाओ। बाकी मैंने स्पोर्ट्स मोड पे इसको चलाया था, थोड़ा सा थोड़ा देते व्हीली पॉप अप कर रही थी, लेकिन इसके तो जो व्हीली कंट्रोल है वो बहुत हेल्प करता है। अच्छा, व्हीली कंट्रोल भी है इसके अंदर, व्हीली पॉप नहीं होने देता इसकी वजह से। देखो एंटी व्हीली मोड के अंदर आप मोड ऑन कर सकते हो, लॉन्च कंट्रोल है इस तरह से, बेसिक फंक्शन इसके अंदर है, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर मोड्स देखे हैं स्पोर्ट्स, सी, ट्रेन एंड ट्रैक, ठीक है, राइडिंग मोड्स के हिसाब से, ठीक है, ओके, तो ये अपने हिसाब से अपने आप को उसके अंदर कंट्रोल कर ले। ये सबको पता है जिस बजट सेगमेंट के अंदर ये बाइक है, इस बजट के अंदर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स किसी बाइक के अंदर नहीं है, क्या बात, ठीक है। मैं पर्सनली इनलाइन 4 का फैन हूं, इनलाइन 4 ही चलाता हूं, लेकिन जब इसको चलाया तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ये भी एक मतलब टक्कर दे सकती है। मुझे दो से तीन दिन लगे इस बाइक को समझने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करना इस पे वर्थ है या नहीं है, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है। ये नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ नुकसान कर लो आगे, लेकिन भाई चला समझोगे नहीं जब तक चीज सच में कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक हो जाएगा। मैंने Z800 चलाई है, ठीक है, उसके बाद मैं नहीं चलाया था कि 800 की सेगमेंट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 800 तो अफीम है यार आज के टाइम पे, मतलब अफीम है, लेकिन मैंने जब इसको चलाया ना तो कहीं ना कहीं मुझे 800 से ज्यादा पावरफुल ये लगी ज्यादा। मैं साउंड के मामले में नहीं बोलूंगा, लेकिन इनलाइन 4 है, मैं भी उसका फैन हूं, मुझे इनलाइन 4 ही समझ में आती, सबको इनलाइन 4 की पैरेलल नहीं, लेकिन पावर की बात करें तो कहीं ना कहीं है। मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखना, ऐसी वीडियो को शेयर करते रहो, आगे और भी धमाके आने वाले हैं, वेट करो।
going where this shit.